होडल के गांव खांबी निवासी जयप्रकाश व उसका परिवार करीब 2 साल से अपने भाई की हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह फरियाद लगा रहे हैं। जयप्रकाश ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने इसकी शिकायत DGP रेवाड़ी, SP पलवल व अन्य आला अधिकारियों से की और CM विंडो पर भी शिकायत दर्ज की, लेकिन आज तक आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। सर, मैं इसलिए आया हूँ, मेरे साथ में पहले मेरे हाथ पैरों को तोड़ के एक मुलजम और उसके 5 साथी थे, 6 जने थे, उनमें से अभी तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। और उसके बाद में 28 अगस्त को मैं, मेरा भाई, मेरा पिताजी, चारों जने हम नार लेने खेत पर जा रहे थे तो अचानक पीछे से सोनू और अशोक लोहवन आए थे। उन्होंने बुग्गी के पास में आते ही मोटरसाइकिल 1 मिनट रोक करके और मेरे भाइयों में 2 में गोली मार करके भाग गया और अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। मैंने पूरी शिकायत पूरे प्रशासन को दे ली लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक मुलजिम अरेस्ट नहीं हुआ है जी, और मुझे अभी भी आगे बहुत भारी खतरा बना हुआ है।